हेलो एवरीवन माय नेम इज स्वाति योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स वेलकम कैसे हैं आप सब आई एम श्योर यू मस्ट बी रियली टायर्ड बिकॉज ऑफ दैट एंड ऑल बिकॉज एग्जाम्स तो हैं करना तो पड़ेगा बॉस क्या कर सकते हैं पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बट आई एम श्योर यू मस्ट बी सुपर एक्साइटेड फॉर द समर वेकेशन विच इज राउंड द कॉर्नर राइट एंड वेर डू यू प्लान टू गो ऑफकोर्स वी हैव करोना एंड करोना तो जिंदगी बर्बाद करके रखी है लेकिन स्टिल आई एम श्योर कहीं ना कहीं मे बी यू आर प्लानिंग टू गो कहाँ जाओगे इफ़ इट्स लाइक ब्यूटिफुल मे जून नो अप्रिल मे एंड ऑल अमेजिंग गर्मी सो यू माइट भी थिंकिंग ऑफ सम स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड ऑल अच्छा डेजर्ट कितने लोग जाना चाहेंगे मस्त गर्मी में डेजर्ट या राइट अच्छा वेन वी थिंक अबाउट डेजर्ट वॉट डू यू थिंक what do we think when we think about this desert we think about sand dunes milo tak reti reth, garmi no pani cactus this is what are, comes to our mind right but in this chapter we are going to study a bit more interesting like you know really interesting facts about desert and i'm sure a lot of things you already know बट ऑफकोर्स इन दिस चैप्टर विल गेट टू नो अलॉट मैनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे आपका डेजर्ट के लिए जो परसेप्शन है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा ना वेन यू विल थिंक अबाउट डेजर्ट यू विल नॉट ओनली थिंक अबाउट द गर्मी एंड द पेज एंड द कैक्टर्स एंड नो वेजिटेशन यू माइट ऑल्सो वुड वॉन्ट टू थिंक अबाउट द ब्लूम्स एंड कैमल्स विच इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट एंड द ओस एंड एवरी थिंग वॉट इज दैट Let's begin our chapter to know more about it. So, the chapter that we are reading today is the desert. The desert, now, before we read, let's read about some important facts. A desert is generally without water and vegetation. What is vegetation? सो द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स यू नो जो छोटे छोटे प्लांट्स उगते हैं जो डेजर्ट में यूजुअली व्हेन वी इमेजिन वी इमेजिन इट्स लाइक प्लेन रेत ही रेत सैंड और कुछ होता नहीं है वहाँ पे सो हियर वी टॉक अबाउट वेजिटेशन कि डेजर्ट में वी यूजुअली इमेजिन कि दैट इज नथिंग इट्स विदाउट वॉटर एंड वेजिटेशन अ ग्रीन पैच विथ फ्रेश वॉटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट इज़ अ ब्यूटिफुल साइट ओके बट कैन बी इमेजिन दैट एकदम बड़ा सा डेजर्ट अचानक से उसके बीच में वॉट डू वी सी अ ग्रीन पैच विध फ्रेशर एंड ग्रीन ट्रीज होता है कैसा बट बोल रहे हैं तो शायद होगा अ डेजर्ट मेंट और टू कोल्ड टू हॉट का तो पता है टू कोल्ड कौन सा होता है कौन सा डेजर्ट होता है जो बहुत कोल्ड होता है सो विल सी दैट लेट्स बिगिन अर दोस्ट Who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. Like, you know, I live in Bhopal, so it's beautiful, it's green, and it's the city of lakes. Maybe you live in some place which is again very beautiful, but and we people, when we like imagine desert, what do we imagine? We imagine sand, we imagine bear, we imagine galmi, right?

फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस ये पीपल गो टू दुबई राइट सो देर देर आर डेजर्ट देर इज वेल वी गो टू लद्दाख दैट्स अ कोल्ड डेजर्ट वी गो टू डिट प्लेस सो लोग अगर जाते हैं डेजर्ट घूमने तो उनका दिमाग तो खराब नहीं है मतलब डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस इट इज़ द होम ऑफ अ वाइटी ऑफ पीपल एनिमल्स एंड प्लान्स दैट हैव लर्न टू लिव अंड वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस ना द थिंग इज लाइक यू एंड मी वी अडेप्ट हर कुछ अडाप्ट करते हैं हम कंटिन्यूसली अडेप्ट करते हैं दोज पीपल जो लोग एकदम पुलाल रीजन्स में रहते होंगे या एकदम ही कोल्ड जगह पे रहते होंगे दे हैव टू दैट टेम्परेचर अडाप्टेड का मतलब क्या होता है उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है उस टेम्परेचर में नाओ दे के नॉट लिव एकदम गर्मी वाले टेम्परेचर में क्योंकि उनकी बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट हो गए उनकी उनकी बॉडी कैपैसिटी टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्परेचर इज डिफरेंट ठीक है हम लोगों के लिए भी एक लिमिट होती है लाइक वी कैन विथ स्टैंड फोर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री लेकिन उससे ज़्यादा हो जाता है तो हमारी हालत बर्बाद हो जाती है सो so, इसको अडाप्टेशन कहते हैं राइट एनिमल्स प्लांट्स ह्यूमन बींग्स एवरी वन बर्ड्स एवरी वन वी अडाप्ट टू द इन्वायरमेंट वी लिव इन इसका मतलब क्या होता है जैसे कि अगर मैं बोल दूँ कि एक कैक्टस है सो वी ग्रो कैक्टस कैक्टस जो होते हैं वो यूजअली डेजर्ट्स में ग्रो होते हैं जहाँ पानी बहुत कम होता है क्यों सो so, उसका भी उसने अडाप्ट कर लिया उसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही उनमें वाटर होता है ठीक है उनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही फ्लफी होती हैं एंड उसके अंदर वाटर होता है और उसमें जो है जो इफ़ यू मस्ट हैव स्टडीड उसमें जो लीव्स आपकी जो वाटर को इवेपरेट होता है जो लीव्स में से सो so, वो उसमें नहीं होता इट डजेंट अलाउ इट उसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होती हैं उससे क्या होता है कि आपको वो कहीं से भी पानी जो है ढूंढ के थोड़ा बहुत वो ले ही लेती हैं सिमिलरली कैमल वैन वी टॉक अबाउट कैमल कैमल इज़ द शिप ऑफ शिप ऑफ द डेजर्ट सो कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर डेज़ क्योंकि वो स्टोर कर लेता है सो वॉट इज दिस दिस इज अडेप्टशन ये सारी चीज़ें हैं अडाप्ट कर लेते हो मे बी इफ वी विल गो हमारी स्किन जल जाएगी हमको रैशेस हो जाएंगे ऑल बट वहाँ के लोगों ने उस चीज़ को अडाप्ट कर लिया है एंड देन दे टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स एज वेल सो इट इज़ द होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस true the ground is not always hidden by a cover of grass plants and trees as it is in other climates obviously the dry is bare the dry is uh, the ground is dry जैसे हमारे घर पे हर जगह थोड़े दूर में आपको घास दिख जाएगी छोटे-छोटे बदूस दिख जाएंगे और खूब सारा इट्स ग्रीन एवरीवेयर वहाँ पे ऐसा नहीं दिखेगा बट देन उसकी एक अलग ही ब्यूटी है राइट बट व्हेनेवर इट रेन्स व्हिच इज रेयर Desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of the tropical garden But when it hoti, hai, which is very rare, which means it hardly happens And if it happens, it is very rare, but when it does So even the desert blooms or hota hai it is as beautiful as any of our like the tropical climate that we live in So see in this picture you can see a lot of flowers and the flowers are so pretty डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अटेंजिंग के लिए जैसे हमारा परसेप्शन है इट इस नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड वेस्टलैंड का मतलब क्या होता है uh -oh. yeah. का मतलब होता है एन अनयूज एरिया ऑफ लैंड दैट है ओवरग्रोन सो so, अगर कोई लैंड है जिसमें आप कोई उसको किसी तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो तो क्या होगा या तो उसमें वीड्स ग्रो होना चालू हो जाएंगी उसकी फर्टिलिटी पूरी खत्म हो जाएगी वो एकदम बैरन बंजर ज़मीन जैसा हो जाएगा सो अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ वेस्ट लैंड जैसा हम उसको इमेजिन करते हैं इट मे हैव माउंटेंस एंड हिल्स इट मे हैव एन ओसेस बिग और स्मॉल उसमें माउंटेंस हो सकते हैं उसमें हिल्स हो सकते हैं इट कैन हैव अ लॉट ऑफ़ ब्यूटिफुल ट्रीज एंड इट कैन हैव एन ओसिस ओएसिस क्या होता है anyone who knows about oasis an oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow now if you look at this image clearly can you see like it's all desert you can see the sand dunes over here and in middle you can see it's like a small lake right a small pond what is it kaise hota hai so the information is not provided here let me just tell you like agar river hoti या नीचे कोई भी पानी का जो होता है एंड सपोज उसमें जो प्रेशर बहुत ज़्यादा आगे हो जाता है तो कभी कभी उस प्रेशर के कारण इट कम्स अप वो सरफेस पे आ जाता है एंड ये स्पेशली कहाँ पे होता है जो एरड रीजन्स होते हैं मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ड्राई रीजन्स होते हैं वहाँ पे हर जगह होते हैं ओसेस लेकिन सबसे ज़्यादा यूजफुल एंड सबसे ज़्यादा वॉन्टेड होते हैं ये ड्राई रीजन्स में बिकॉज दैट इज़ द प्लेस विच प्रोवाइड अ डिफरेंट ब्यूटी टू द डेजर्ट इनको हम ओस कहते हैं नाउ अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थर्ड और कोल्ड लाइक लद्दाख तो जब हम थर्ड डेजर्ट की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली जैसे हम इमेजिन करते हैं लाइक सैंडूंस दूर दूर तक रेत एंड गर्मी वो हम इमेजिन कर सकते हैं बट वैन वी टॉक अबाउट लद्दाख लद्दाख इज ब्यूटिफुल एंड यू मस्ट हैव सीन द पिक्चर्स और यू मस्ट है सो लद्दाख में जाके कभी भी ऐसे गर्मी और ऐसी फीलिंग आती है इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस इट्स अ कोल्ड डेजर्ट प्लीज रिमेंबर दैट बट जनरली स्पीकिंग इफ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर और वेजिटेशन पीपल यूज यूजली कॉल इट अ डेजर्ट डेजर्ट का मतलब सिर्फ रेगिस्तान नहीं होता है डेजर्ट का मतलब हम जैसी प्लेसेस होते हैं फॉर एग्जांपल कोई घर है जहाँ बहुत टाइम से उसे आप यूज नहीं कर रहे हो कोई रहने के लिए नहीं आ रहा है कोई विजिट नहीं करता उस प्लेस को मतलब होता है जहां पर कोई अकोमोडेशन नहीं है जो कि बिल्कुल भी जहां पर अबेंडेंड है बेसिकली अबेंडेंड मतलब जहां कोई जाता नहीं है ओके सो सपोज देर इज एन एरिया जहां पर कोई नहीं जाता उसको हम बोल सकते हैं ओ दैट एरिया इज डेजर्टेड या कोई पॉपुलेशन है तो उसको भी हम बोलते हैं दैट एरिया इज डेजर्टेड ओके नेक्स्ट वन समेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर ओके okay, कुछ डेजर्ट्स होते हैं जहाँ पे लिटरली जो लाइफ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो लाइफ होती है जहाँ पे पानी के लिए उनको थाउजेंड्स ऑफ लाइक हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स थाउजेंड वुड बी टू मच हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स वॉक करना पड़ता है एंड द लाइफ इज मिजरेबल देयर

ऐसे करते करते सैंड के माउंट्स डेवलप हो जाते हैं माउंट्स मतलब एक तरीके से हीप डेवलप हो जाता है काइंड ऑफ अ स्मॉल माउंटेन और उसको हम कहते हैं सैंड ड्यून्स इफ यू विल सी दिस पिक्चर सो इस पिक्चर में दिस थिंग इज सैंड ड्यून्स ओके दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट कैसे होता है ये क्योंकि आपकी विंड ऐसा तो नहीं है ना कि विंड लोगों ने सबने डिसाइड किया हुआ है चलो आज हम जाके इसी स्पॉट पर गिरेंगे या इसी स्पॉट पे हम लोग जाएंगे ऐसा तो होता नहीं है इट्स अ नेचुरल प्रोसेस एंड इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस सो एक ड्यून नहीं बनता ऐसे थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ड्यून्स बने रहते हैं वहां पर नाउ फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स अब ऐसी जो एकदम ड्राई सैंड होती है इसमें भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं कौन से प्लांट्स होते हैं वो ना बिफोर वी अंडरस्टैंड वैसे कौन से प्लाट्स होते हैं वो वो प्लाट्स होते हैं जैसे वी टॉक अबाउट कैक्टस राइट द इंटायर वराइटी ऑफ कैक्टस जिसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है वो ही सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पे ना जितना अभी तक हमने पढ़ा है टू अंडरस्टैंड दैट हमने कितना समझा है और कितना हमारे ऊपर से निकल गया है सो वी हैव अ क्विक कॉम्प्रिहेंशन चेक लेट्स गो फॉर दैट Pick out two phrases which describe the desert as specialists see it. Which do you think is an apt description and why? So, abhamne chapter padha hai, usme hamko batana two phrases jo describe the desert ko. So, though it's very easy, let's see. Answer is a beautiful place, the home of a variety of people, animals, and plants. नाउ इफ यू विल सी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द बुक दिस चैप्टर इसमें यह दो फ्लेज यूज हुए हैं एक है इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस ओके नॉट लाइक वी डिफाइन ब्यूटी ऑफकोर्स बट इट इज इट हैज इट्स ओन ब्यूटी सो इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस सेकेंड द होम ऑफ अ वाइटी ऑफ पीपल एनिमल्स एंड प्लेट्स प्लाट्स सो जो प्लांट्स हमारे क्लाइमेट में नहीं होते वो उनके क्लाइमेट वहाँ वाले क्लाइमेट में होते हैं सिमिलरली अलग तरीके के वहां पे क्रिएचर्स uh, होते हैं अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं अलग तरीके के होते हैं इवन द पीपल देयर दे हैव अ वेरी डिफरेंट नाउ द डिस्क्रिप्शन देअर इज एप्ट एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस टेल अस टू सो अब ये जो सेकेंड डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है द होम ऑफ अ वाइटी ऑफ पीपल एनिमल्स एंड प्लांट्स ये ज्यादा सही है दिस इज वॉट वी हैड टू टेल है सेकेंड क्वेश्चन द फ्रेज इज ऑन द लेफ्ट इन द फॉलोइंग बॉक्स अकल इन द टेक्स्ट मैच ईच ऑफ देम विद अ फ्रेज ऑन द राइट अब ये जितने भी फ्रेजेस हैं ये हमने अभी बुक में पढ़े हैं एंड एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड मतलब दूर दूर तक सिर्फ सैंड ही सैंड है एक एंडलेस स्ट्रेच है मतलब जाता ही जा रहा है वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर जहाँ पानी नहीं है और जहाँ कोई शेल्टर नहीं है मतलब रहने की कोई सुविधा नहीं है एंड ओएस एस हमने डिस्कस किया था हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रैस हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रैस मतलब जैसे हमारे हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करें तो जो हमारी जो पूरी जो हमारा जो जमीन होता है इट्स यू नो एवरी वेर यू विल सी ग्रास अगर वो वेस्ट लैंड भी है तो भी वहाँ ग्रास उग जाता है हमें तो हटाना पड़ता है सो वी आर टॉकिंग अबाउट आर काइंड ऑफ अ क्लाइमेट एंड नाउ वी हैव टू मैच इट विथ दिस फर्टाइल प्लेस विथ वाटर एंड प्लांट्स इन अ डेजर्ट What is it? Desert में कौन सी प्लेस होती है जो फर्टाइल होती है कवर ऑफ ग्रैस मतलब हिडन बायर ऑफ ग्रैस मतलब वो जो उसका बेस है वो दिख नहीं पा रहा है क्योंकि वो पूरा ग्रैस से कवर्ड है नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी मतलब जितना दूर तक देखो कुछ नहीं है इट्स ओनली सैंड सो दिस इज एन एंडलेस सर्च ऑफ सैंड नो वाटर एंड नो शेड वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर सो दीज आर दी आंसर्स यू कैन हैव अ लुक एट इट सो दैट आई कैन मूव अ हेड चलो लेट्स मूव अ हेड एंड लेट्स कंटिन्यू द अदर पार्ट ऑफ अ चैप्टर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेजर्ट जो हमें थोड़ी बहुत और, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमलर मच लेस अगर आप एक रोज प्लांट को कंपेयर करो एक कैक्टस प्लांट से रोज प्लांट रिक्वायर्स अ लॉर्ड ऑफ वाटर उसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है आप ऐसे ही उसको नहीं छोड़ सकते कि मस्त चार पांच दिन में पानी दे दे तो रोज प्लांट लेकिन अगर कैक्टस को आपने रोज मस्त पानी दिया खूब सारा तो वो भी राइट सो so बेसिकली ये इन्होंने अडैप्ट कर लिया है जो कैक्टस प्लांट होता है उसको नहीं चाहिए पानी सो so आप उसको मत दो रोज प्लांट को चाहिए तो उसको दो इसको बोलते हैं हम अडेप्टशन प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड द कैमल इज़ अ टिपिकल डेजर्ट एनिमल राइट नेक्स्ट वन इज स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैव है मीन्स ऑफ सेटिसफाइंग देर नीड फॉर वाटर अभी अभी हम इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं कि जो बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनके पास पानी तो होता नहीं है लेकिन पानी तो इंपॉर्टेंट होता है तो वो किस तरीके से अपनी प्याज बुझाते हैं लेट्स हैव अ लुक एट दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अराउंड अस दे नीड वाटर टू सरवाइव मतलब उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी तो चाहिए द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स That live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. तो इन्होंने, they have developed an ability. क्या word used किया इसके लिए? मैंने पहले भी बताया, है, adaptation. They have adapted themselves to their surroundings and such a way कि उनको ज्यादा पानी की अब ज़रूरत ही नहीं है. The camel, popularly known as the ship of the desert, can drink a lot of water at one time. तो ये लोग क्या करते हैं जब ये travelers travel ट्रावल करते हैं तो जहाँ पानी होता है camel एक साथ gallons of water पी लेता है काफ़ी सारा पानी पी लेता है okay? So that it can survive. और वो उसको store कर लेता है Camels can do without water for days together. द रीज़न इज दिस स्वेट वेरी लिटल अब ये क्या करते हैं एक तो ये अपने बॉडी के अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं फर्स्ट थिंग और उसको धीरे धीरे यूज़ करते हैं सेकेंड दे डोंट स्वेट हमारे साथ क्या होता है सपोज यू गो आउट इन सन आउट इन सन मीन्स यू आर आउट एंड वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है तो क्या होता है वी स्टार्ट स्वेटिंग सम पीपल दे स्वेट टू मच समीपल स्वेट लेस बट वी ऑल स्वेट जब हम स्वेट करते हैं तो हमारे जो बॉडी में जो वॉटर है वो निकल जाता है राइट और उसकी वजह से हम डिहाइड्रेट कर जाते हैं जिसके लिए वी हैव हाँ टू तो कीप ड्रिंकिंग वाटर सो दैट हम डिहाइड्रेट नहीं करें अदरवाइज इट कैन अफेक्ट आर हेल्थ लेकिन कैमल के साथ क्या होता है वो नहीं करता स्वेट अब जब स्वेट कर ही नहीं रहा है तो जो पानी अंदर है वो अंदर का अंदर ही है वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हम क्या करते हैं जब हम स्वेट कर रहे हैं बाहर से जो इतनी ज्यादा गर्मी आ रही है जब हमें स्वेट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो मेनटेन कर रहा है वी स्वेट वेन इट गेट्स हॉट एंड इट कूल्स द बॉडी ठीक है तो जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम स्वेट करते हैं तो वो पानी क्या कर रहा है एक तरीके से वापस हमारी बॉडी को कूल कर रहा है दो इट स्मेल्स वेरी बैड लेकिन अब क्या कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन करने के लिए अलग ही अलग तरीके होते हैं क्या कर सकते हैं कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर अब कैमल्स की बात ही अलग है वो तो बहुत ही अच्छे अच्छे टेम्परेचर में भी उनको एकदम लगता है बहुत ही सही क्या सुनहरी धूप आ रही है एंड दे एंजॉयट दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन दे फॉर रिटेन द वॉटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम अब वो स्वेट तो करते नहीं हैं पसीना नहीं बहाते पसीना नहीं बहाते तो क्या होता है उससे उनको पानी ज्यादा नहीं पीना पड़ता तो समझ गए इसको समझ ही गए नॉट ड्रिंक वाटर अब इनकी तो बात ही अलग है मतलब अपना कैमल फिर भी सही था ये क्या करता था एक साथ पानी पी लेता था ये जो छोटे छोटे वाले हैं ना इनको जरूरत ही नहीं पड़ती है दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट ये क्या करते हैं दिन भर एकदम चुपती जलती गर्मी उसमें वो अंदर चले जाते हैं अपने अपने बिल में दिन भर निकलते ही नहीं है रात में आते हैं बाहर खाने पीने की तलाश में सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वॉटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट ये क्या करते हैं जब ये बाहर आते हैं तो ये दूसरे छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनको खा लेते हैं और उनके जो बॉडी में हर किसी के बॉडी में वाटर है उनकी बॉडी में जो मीट में जो वाटर होता है उससे ये बेचारे अपनी प्यास बुझा लेते हैं अदर सीड प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वॉटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस ये वाले बेटर हैं ये क्या करते हैं ये प्लांट्स जो बाकी के प्लांट्स हैं जैसे कैक्टस हुआ या और भी जो प्लांट्स जो बहुत ही फ्लैशी होते हैं जिनके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा होता है ये उनको खा लेते हैं या सीड्स खा लेते हैं क्योंकि हर चीज में वाटर है तो जब वो वो खाते तो उनकी प्याज बुझ जाती है बट दिस इज इज दे हैव वॉटर डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो लीड जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उन्होंने भी अपने आप को अडेप्ट किया है देखें कैसे कैक्टस प्लांट्स टो वाटर इन थिक स्टेम्स तो अब ये जो इनकी जो थिक स्टेम्स होती हैं इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा पानी स्टोर कर लेते हैं देयर रूट्स लाइक क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेंस दैट ओकेजनली फॉल अच्छा इनकी जो रूट्स होती हैं ये एकदम सरफेस सरफेस पे ही हो जाती हैं तो इससे क्या होता है जैसे थोड़ी भी बारिश हुई पानी गिरा तो ये तुरंत पूरा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं The major feature of all deserts is, of course, dryness and variations of temperature. like when we talk about a desert, obviously the temperature is high, and we talk about dryness. Dryness to hai. Now, next, in humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. जो ह्यूमिड क्लाइमेट्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो जैसे हम बात करते हैं कोस्टल रीजन्स की हम बात करते हैं जैसे गोवा हो गया मुंबई हो गया चेन्नई हो गया ये सारे कोस्टल हैं यहाँ पे क्या होता है बिकॉज ऑफ द सी एंड बिकॉज ऑफ़ द वाटर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और इस मॉइस्चर से क्या होता है आपकी स्किन जल के एकदम निकल ही नहीं जाती छिलके नहीं निकलते आपकी स्किन के तो ये आपके अर्थ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन जो सन की रेज आती है इट्स लाइक इट्स अ शील्ड फॉर अस ठीक है तो इसीलिए मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट अब क्या होता है जैसे हमारे यहाँ पे बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर ऐसा नहीं होता कि दिन एक्सट्रीमली गर्म नहीं होते और रात एक्सट्रीमली ठंडी नहीं हो जाती लेकिन जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहाँ पे बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दिस मॉइस्चर Then, एकदम हाई टेम्परेचर में जाते हैं <coughs> और जो रात होती है वो बहुत कोल्ड हो जाती है बिकॉज दर इज नो मॉइस्चर अब जो है अब सन रेज नहीं है तो नहीं है एकदम ठंडा हो जाता है डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर ग्रेट प्लान नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट की यार वाई डू वी हैव डेजर्ट्स पूरी हर जगह बहुत खूबसूरत होती खूब सारे ट्रीज होते खूब सारे रिवर्स होते हैं तो ऑल ये डेजर्ट है ही क्यों बट डेजर्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दे आर लाइक दे आर दे लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस जैसे हमारे लिए डीप ओशंस इंपॉर्टेंट हैं डेंस फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट हैं वैसे ही डेजर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज अजूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ वो ड्राई हैं वो बहुत ही ज्यादा मे बी दे आर ऑल्सो करट एंड क्रूअल इतनी गर्मी होती है लेकिन वी शुड नॉट लुक एट दैम एज वेस्ट लैंड वी शुड नॉट लुक एट दैम एज यूजलेस पार्ट ऑफ अर्थ सो हेअ वी आर डन विद द रीडिंग पार्ट ऑफ आर चैप्टर डेजर्ट जिसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा वी स्टडीड अबाउट पहला कि डेजर्ट्स जो होते हैं दे कैन बी ब्यूटिफुल उसमें भी बहुत सारे लोग बहुत सारे क्रिएचर्स बहुत सारे प्लान्स जो हैं उसमें भी सर्वाइव करते हैं देन वी टॉक डबाउट ओ एस एस अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देन वी टॉकड अबाउट वट डिड वी टॉक अबाउट येस वी टॉक अबाउट कैमल्स वी टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ

Well, obviously, because of the temperature, like less water and all, vegetation वहाँ कम होता है water की भी scarcity होती है scarcity का मतलब क्या होता है less available कम होता है It may be too cold or too hot. रात में बड़ा cold हो जाता है दिन में बड़ा ठंडा रहता है And oasis seems to be a green island in a desert. और oasis क्या होता है It looks like a green island in a desert. Plants and animals of deserts can survive on less water. दे हैव अडेपेल्स हाउ एवर मेनी अदर एनिमल्स एंड प्लाट्स कैन नॉट सर्वाइव इन डेजर्ट राइट अगर तुम बोलो अब राइस की खेती करनी है अब राइस को इतना पानी लगता है कि आप क्या खेती होगी वहां पर नहीं कर सकते डेजर्ट अपूटिफुल विद डेजर्ट प्लांट्स एंड फ्लावर्स वहाँ पे जब ब्लूम करते हैं फ्लावर्स इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल वेन एवर इट रेन्स द साइट ऑफ द डेजर्ट कैन बी क्वेट रिवॉर्डिंग विच अज सिमिलर टू दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन तो जब रेन होती है तो जैसे कि हमारा कोई भी ट्रॉपिकल गार्डन कितना ब्यूटीफुल दिखता है हर जगह फ्लावर्स इन फ्लावर्स हो जाते हैं वैसे ही डेजर्ट भी बहुत ब्यूटी लगता है डेजर्ट्स होल्ड सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस इन द ग्रेट प्लान ऑफ नेचर दे आर नॉट यूजलेस पीसेस ऑफ लैंड ऑन अर्थ एज मैनी पीपल कंसिडर देम टू बी डेजर्ट्स यूजलेस नहीं होते हैं जैसे हमारे लिए ओशंस इंपॉर्टेंट हैं माउंटेंस इंपॉर्टेंट हैं ट्रीज इंपॉर्टेंट हैं वैसे ही हमारे लिए डेजर्ट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं सो वेन वी टॉक अबाउट दैन थोड़ी इज्जत से थोड़ा प्याज से राइट सो दैट वॉज आर समरी एंड नाउ वी आर गोइंग टू लुक इन टू द एन सी आर टी सोल्यूशन सो लेट स्टार्ट नाउ विदर्स्ट क्वेश्चन अ कैमल कैन डू विदाउट वॉटर फॉर डेज टूगेदर वॉट इज द रीजन गिवन इन द टेक्स्ट आप बताओ फटाक से कि क्या रीजन दिया हुआ है टेक्स्ट में क्या रीज़न दिया हुआ है कैमल को इतने देर तक प्यास क्यों नहीं लगती है बिकॉज इट डज़ नॉट स्वेट राइट उसका जो वाटर रिटेंशन है बहुत स्ट्रांग होता है तो वो बिल्कुल भी स्वेट नहीं करता जिसकी वजह से और वो एक साथ बहुत सारा पानी पी लेता है विच इट कैन स्टोर इट्स ओन बॉडी सो द रीज़न इज दैट द कैमल स्वेट्स वेरी लिटिल कैमल बहुत कम स्वेट करता है इट कैन देव फॉर रिटेन द वॉटर इट ड्रिंक्स फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम वॉट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन रिटेन का मतलब होता है वो वॉटर को अपने साथ रख सकता है अपने पास रख सकता है वाटर उसको बाय बाय करके नहीं जाता सो द रीजन इज दैट द कैमल स्वेट्स वेरी लिटिल फर्स्ट पॉइंट हो गया इट कैन देव फॉर रिटेन द वॉटर इट ड्रिंक्स फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम इसीलिए वो पानी को अपने साथ रख सकता है फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम श्योर sure याद हो गया होगा चले नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स फुलफिल दे नीड फॉर वाटर अब वो जो छोटे छोटे जो होते हैं एनिमल्स वो कैसे अपनी नीड्स वाटर की जो वाटर की नीड होती है कैसे फुलफिल करते हैं या तो वो दूसरे एनिमल को खा लेते हैं और उनके मीट में पानी होता है वो अंदर चला जाता है या तो वो वहां के जो प्लांट्स और सीड्स होते हैं उनको खा लेते हैं उनमें जो वाटर होता है वो उनसे उससे उनकी जो थर्स्ट है वो पूरी हो जाती है So now let's see कि हमें इस आंसर को कैसे फ्रेम करना है। ये बहुत सारे मेजर्स लेते हैं ताकि उनकी पानी की नीड पूरी हो जाए दो लिखने हमको यहाँ पे फर्स्ट वन देम बरो अंडरग्राउंड इन द डे ओके हाँ थ्री थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लोग जो होते हैं वो पूरा दिन भर बरो के अंदर रहते हैं तो ना धूप लगती है ना पानी जो है वो जो स्वेट के थ्रू या किसी भी तरीके से बाहर जाता है तो उनकी पानी की ज्यादा उनको जरूरत ही नहीं पड़ती सो सम ऑफ देम बरो अंडरग्राउंड इन द डे टाइम एंड कम आउट ओनली एट नाइट टू ईट फर्स्ट पॉइंट सम अदर्स ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द मॉइस्चर फ्रॉम द मीट मीट से मॉइस्चर ले ले जाते हैं ये हो गया फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट सम ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड ऑप्टेन प्लांट जूसेस और कुछ एनिमल्स क्या होते हैं ये प्लांट जूसेस जो होते हैं प्लांट्स को खाते हैं और सीड्स को खाते हैं तो उनमें जो जूस होता है उसके थ्रू ये अपनी जो थर्स्ट होते हैं उसको खत्म कर देते हैं सो so, कौन से तीन पॉइंट्स हैं जो टेक्स्ट में दिए हुए हैं पहला कुछ जो होते हैं दे गो इन साइड द बरो थ्रू आउट द डे एंड रात में अपना खाना ढूंढने के लिए बाहर आते हैं सेकेंड कुछ जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं और उनके जो मीट होती है उससे उनका वाटर इनटेक फुलफिल हो जाता है एंड थर्ड पॉइंट प्लांट्स और सीड्स को खा लेते हैं जिसमें प्लांट जूसेस जो होते हैं उससे इनका जो वाटर इनटेक है फुलफिल हो जाता है क्लियर लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ डेजर्ट द टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट वाई अब ये टेम्परेचर दिन में एकदम हाई हो जाता है और रात में एकदम नीचे चला जाता है ऐसा क्यों होता है एक वर्ड था मॉइस्चर याद आ रहा है थोड़ा बहुत सी नॉट हैव मॉइस्चर कवर इनका पास मॉइस्चर कवर की बड़ी ही किल्लत होती है सो द टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली बहुत ही सिंपल आंसर यार एक ही वर्ड याद करना है कि इसमें मॉइस्चर कवर नहीं होता है दैट्स इट नेक्स्ट

हॉट होता है कम रेनफॉल होती है पहला पॉइंट इट इज नॉट इंटायरली ड्राई ऑब्वियसली पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि डेजर्ट जो है पूरा ड्राई नहीं होता है ओएसिस इज अ ग्रीन आइलैंड इन द डेजर्ट वेयर अ वेल स्प्रिंग गिव्स वाटर टू द प्लांट्स अराउंड ओएसिस क्या होता है इसको हम ग्रीन आइलैंड कहते हैं जो कि बिकॉज ऑफ अ वेल और अ स्प्रिंग जो नीचे कोई होती है दैट कम्स ऑन द सर्फेस और उससे जो होते हैं वहाँ के प्लांट्स वहाँ के एनिमल्स को वाटर मिल जाता है ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट कैमल्स कैन स्टोर वॉटर फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट कैमल्स की बात नहीं करेंगे तो डेजर्ट कम्प्लीट कैसे हो गया ऑफ द डेजर्ट सो यह तीनों पॉइंट जो है यह हमारे कैमल के बारे में है, पहली चीज कैमल कैन सर्वाइव विदाउट वॉटर फॉर लॉन्ग दे डू नॉट स्वेट देट इज इट नेक्स्ट क्या है सो so, द यू कैन राइट अलॉट मोर थिंग्स की वहां पर भी जब बारिश होती blooms beautifully, चुछी चुछी है ब्लूम्स ब्यूटिफुल वहां के आप छोटे छोटे क्रिएटर्स मैंने तो जितने आंसर्स याद किए ना अगर सारे आंसर्स को मिला के भी लिख दोगे तो तुम्हारा यंसर रेडी हो जाएगा राइट नाउ लेट सी दैक्स्ट वन गो टू द लाइब्रेरी एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन डेजर्ट एरिया देर फूड क्लोथ्स वर्क सोशल कस्टम्स एक्सेट्रा शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद द ग्रोप अब ये तो खुद को ही करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू गो टू द लाइब्रेरी आई कै नॉट गो टू लाइब्रेरी फॉर यू राइट बट आई कैन गिव यू एन आइडिया सो वेन वी टॉक अबाउट पीपल इन द डेजर्ट एरियाज सो देर फूड ओके सो यूजअली वी टॉक अबाउट राजस्थान एंड ऑल्सो यू कैन को रिलेट यू कैन टॉक अबाउट द खाना उनकी जो बहुत ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं होती वहाँ पे ऑब्वियसली नहीं होगी सो जस्ट इमेजिन

ग्रेट रेन अ क्लाउड कवर तो डेजर्ट में कोई क्लाउड कवर तो होता नहीं है बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती वहाँ वेरिएशन होता है बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है सेकेंड इज ओएसिस क्या होता है एंड ओएसिस वॉट ओएसिस क्या होता है इट्स लाइक अ कॉम्फर्ट और अ ग्रीन आईलैंड

वेन इट गेट्स हॉट इन साइड द बॉडी अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा अगर मुझे गर्मी लग रही है तो क्या होगा आई बिकम अन ईजी आई फील अन ईजी या मुझे गुस्सा आने लग जाता है या स्वेट आने लग जाता है या नन ऑफ द अबव अब क्योंकि हम मेरी बात नहीं कर रहे हैं दी आंसर द बेसिक आंसर इज स्वेट बट येस इफ आई एम फीलिंग रियली हॉट अगर मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो मुझे गुस्सा भी आने लग जाता है बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट वट इज द आंसर द आंसर इज स्वेट नेक्स्ट इज द कैक्टस स्टोर्स वाटर इन अब कैक्टस जो है वो वाटर कहाँ स्टोर करता है कौन सी चीज उसकी फ्लैशी होती है हम बात करें उसके स्टेम की उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी होती है द आंसर इज इट्स थिक स्टेम्स नेक्स्ट इज द पॉपुलर बिलीफ इज दैट अ डेजर्ट इज जनरली अब अगर आप और मैं डेजर्ट के बारे में बात करें तो हमारा एक पॉपुलर बिलीफ क्या होता है कि डेजर्ट जो होता है उसमें पानी नहीं होता उसमें वेजिटेशन नहीं होता उसमें पानी और वेजिटेशन दोनों नहीं होता दी आंसर इज हमारे हिसाब से जो हम डेजर्ट की एक पिक्चर क्रिएट करते हैं ना वहाँ पानी होता है और ना वहाँ पेड़ पौधे होते हैं सो देर इज नो वॉटर एंड वेजिटेशन आंसर इज सी इन लद्दाख द वर्ड ला मीन लद्दाख में ये जो वर्ड ला होता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है माउंटेन पास लद्दाख में ला वर्ड का मतलब होता है माउंटेन पास ओके नेक्स्ट इज विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट अब ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कम ऑन क्विकली टेल मी कौन सा आंसर होगा शिप ऑफ द डेजर्ट किसको कहते हैं काउ को लायन को नहीं द आंसर इज कैमल द कैमल इज़ एबल टू मेनटेन अब जो कैमल है उसको शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहते हैं बिकॉज इट इज़ एबल टू मेंटेन इट्स वेट वो हमेशा डाइट पे रहता है नहीं हेल्थ नप इट्स स्टॉक ऑफ वाटर क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ पे जो है पर्स्परेशन नहीं होता इसीलिए वो अपने वाटर का स्टॉक मेंटेन कर पाता है क्योंकि कैमल स्वेट नहीं करता सो आंसर इज सी हाउ मच वाटर कैन द कैमल ड्रिंक एट वन टाइम एक बार में कैमल कितना पानी पी सकता है बहुत सारा अ लिटल अ लॉट अ फ्यू बकेट और नीज आंसर इज अ लॉट अब है वॉट इज नॉट इंटायरली करेक्ट अबाउट डेजर्ट डेजर्ट के बारे में कौन सी चीज है जो एक मिथ है जो हमें लगता है ऐसा होता है बट ऐसा होता नहीं है इट इज ड्राई एंड हॉट पहली चीज है कि वो एकदम ड्राई होता है और हॉट होता है वहां बिल्कुल पानी नहीं होता उधर कोई शेल्टर नहीं होता या ऑल ऑफ दिस तो हमें लगता है डेजर्ट में ये सारी चीजें होती है कि वहां पानी नहीं होता वो एकदम ड्राई होता है और पे शेल्टर भी नहीं होता नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी एक्ट्स लाइक ह्यूमिडिटी जो है एक तरीके से पूरे जगह को कवर कर लेती है वो एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करती है तो इट्स लाइक अ ब्लैंकेट ऑन अर्थ ह्यूमिडिटी मतलब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं मॉइस्चर होता है जो आपके एयर में

Which plants can store water in their thick stems? कौन से प्लांट होते हैं जो अपने मोटे -मोटे थिक स्टेम में पानी को स्टोर करके रखते हैं अभी हमने पढ़ा था वीसर आंसर इज कैटसट था वो हमेशा से डेजर्ट नहीं था देर वॉज अ टाइम जब वो एक क्या था इट वॉज अ लाश ग्रीन प्लेन जब वहां पर पे काफी पेड़ पौधे होते थे इट वॉज अ लाश ग्रीन प्लेन लेकिन विथ टाइम वो एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया

अब जैसे आप और मैं जो हैं अगर हम किसी वैली एरिया से बिलोंग करते हैं ट्रॉपिकल जोन से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए डेजर्ट को इमेजिन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है सो so, जो लोगों जो लोग प्लेन्स में रहे हैं या जो फॉरेस्ट और हिल साइड में रहे हैं या हु है लाइक दोज पीपल हु हैव नेवर सीन अ बेयर डेजर्ट तो कौन से लोगों के लिए सबसे मुश्किल होता है जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं या हिल साइड में रहते हैं उन लोगों के लिए डेजर्ट जैसी जगह को इमेजिन करना बहुत मुश्किल होता है अब हे माउंट्स विच आर कंस्ट्रक्टेड बाई स्ट्रग इन अ डेजर्ट आर कॉल्ड ऐसे जो माउंट्स होते हैं जो छोटे छोटे छुछ टीले जैसे होते हैं जो विंड से कंस्ट्रक्ट होते हैं सैंड में सैंड के सैंड से उन्हें क्या कहा जाता है सैंड ड्यून कहा जाता है डू वी कॉल देम सैंड ड्यून्स वेन इट रेन्स द डेजर्ट बिकम्स अब वहां पर बारिश होती है इट्स नॉट लाइक कि बारिश नहीं होती तो जब बारिश होती है तो डेजर्ट कैसा बन जाता है ब्यूटिफुल सैंडी एरिया मतलब वो ब्यूटिफुल सैंडी रहता है एज लाइवली एज अ बर्ड इन दरेबियन सैंस और एज ब्यूटिफुल एज एनी ट्रॉपिकल गार्डन बोथ ए एन बी तो जब मतलब डेजर्ट एरिया में बारिश होती है तो वो किसी भी ट्रॉपिकल गार्डन की तरह लाइवली हो जाता है दी आंसर इज सी एज ब्यूटिफुल एज एनी ट्रॉपिकल गार्डन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज डेजर्ट हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे डेजर्ट जो है वो दिन के टाइम पे बहुत जल्दी गर्म हो जाता है क्यों बिकॉज वहाँ नहीं है क्योंकि वहाँ सिर्फ रेत है या वहाँ पे एयर में इतनी ज़्यादा ड्राइनेस है वहाँ मॉइस्चर नहीं है जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता तो आंसर इज़ वेरी सिंपल वहाँ मॉइस्चर नहीं है तो जो एयर में जो ड्राइनेस है उसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता और टेम्परेचर बहुत जल्दी शूट कर जाता है हाई हो जाता है इज अ ग्रीन आईलैंड इन अ विदिल वाटर कॉल्ड सो डेजर्ट के बीच में एक छोटा सा जो की होता है, जहां पेड़ होते हैं जहां पानी होता है उसे हम क्या कहते, है? उसे हम कहते हैं ओएसस क्या कहते हैं हम उसे ओयसिस कहते हैं फ्रॉम वेर डू द स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स गेट वॉटर ये जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो वॉटर मतलब जो डेजर्ट में रहते हैं इन्हें पानी इनका जो वॉटर का नीड होता है वो कैसे फुलफिल होता है इनका वाटर का होता है प्लांट जूसेस से या जो वो एनिमल्स को जो खाते उनके मीट में जो मॉइस्चर होता है उससे बोथ ए एन बी या नन ऑफ दी अब आंसर इज बोथ ए एन बी जो ये कैक्टस या इस तरीके के प्लांट्स को खाते हैं तो उसमें जो मॉइस्चर होता है वो भी ले लेते हैं और जो मीट में मॉइस्चर होता है इनको उसके थ्रू तो भी इनका वाटर इनटेक मतलब सफिशियंट हो जाता है अ कैमिल अब कैमिल को बहुत ज़्यादा स्वेट होता है थोड़ा बहुत स्वेट होता है स्वेट ही नहीं होता या नन ऑफ दबल को स्वेट नहीं होता ओके सो दी डेजर्ट्स ही रैपिडली ड्यूरिंग डैश एंड कूल ऑफ रैपिडली एट अब यहाँ पे क्या होता है डेजर्ट्स जो है दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और रात में बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं सो दर्ट हीट अपनी ड्यूरिंग डे एंड कूल्स अप रैपिडली ड्यूरिंग नाइट Heaps of sand in a desert are called, जो हिप्स ऑफ सैंड होते हैं माउंट इन्हें हम क्या कहते हैं अभी हम देख चुके हैं आंसर इज सैंड लाइक अदर क्लाइमेट द ग्राउंड इन अ डेजर्ट इज नॉट हिडन बाई अ कवर ऑफ जैसे बाकी जगह में क्या होता है अगर आप जमीन को देखो तो वहां पर ग्रास होते हैं प्लांट होते हैं ट्रीज होते हैं लेकिन डेजर्ट में नहीं होते तो डेजर्ट में ये तीनों चीजें नहीं अवेलेबल होती हैं एंड दैट इज इट here we are done with the question answers mcqs of our chapter 3 class 7 and alien handbook ab we next video mein chapter 4 simple and uh, if you have any doubts you can always write it in the comment section ab आपको क्या करना है ये सारे वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे पीछे बिल्कुल दिख रहा है मैग्नेट हाँ, ब्रेन की यू नो वेबसाइट पे जाओगे विच इज मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम यहाँ पे जाने के बाद यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट द क्लास एज पर द क्लास आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है अब ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी चैप्टर के एमसीक्यूज देखो या इसी सब्जेक्ट के कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का एम देखना है सो दिस इज द सेम प्रोसेस क्लास सिलेक्ट करोगे सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे फिर टॉपिक सिलेक्ट करोगे एंड वीडियो विल स्टार्ट So, I'm going to see you soon in my next video. Do not forget to share, like, and subscribe. Take care of yourself. Bye.